कल की तरह आज भी हम लोग को दोनों मैच में जैकपॉट विनिंग करना है। कल हम लोगों ने दोनों के दोनों मैच में वन साइडेड क्लीन स्वीप किए। जैसा कि मुझे गिफ्ट आ चुका है कुमार भाई का और बहुत बढ़िया है और थैंक यू फॉर ऑल टीम मेंबर। पहला वाला मैच तो भाई साहब कोई आसपास भी नहीं था क्योंकि हमारे स्मॉल लीग टीम में साई होप था, अभिषेक पौरेल था, जैक फ्रेसर मैगर तो हमारे टीम में था ही था, मैंने तो बोला भी था भाई कैप्टन बनाना अपने टीम में। और पता है रिस्की प्लेयर, जितने रिस्की प्लेयर के बारे में बताया सारे रिस्की प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया। तिलक वर्मा भी हमारे टीम में था, लोग तिलक वर्मा को ड्रॉप करके आए था। वन साइडेड जीते साई होप। पौरेल का पता है सिलेक्शन कितना था? ओनली 16% सिलेक्शन था, जिसको मैंने अपने स्मॉल लीग टीम में रखा था और बकायदा वीडियो में लाइव सेशन में चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई पौरेल को और साई होप को अपनी टीम में जरूर रखना, रिस्की पिक के लिए इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच के लिए। लेकिन साई होप क्या है, बैटिंग थोड़ा सा नीचे है, बट आपको बता दूं टेक्निकल बैट्समैन है और बैटिंग पिच पे साई होप चलता है। भाई साहब आप लोगों ने देखा होगा कितना खतरनाक पॉइंट दिया। उसके बाद जो रात में मैच खिलाया गया था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ के मैच में, मैंने क्लियरली बोला था डीकॉक फ्लॉप होगा, रियान पराग फ्लॉप होगा, क्लियरली बोला था वीडियो में। जाके फाइनल टीम जहां पे टीम बनाया हूं वहां पे जाके देख लेना। ग्रैंड लीग में सबसे पहले तो हम अपने टीम में वही रियान पराग को ड्रॉप करेंगे, डीकॉक को ड्रॉप करूंगा ग्रैंड लीग में, ठीक है? ये दो प्लेयर तो खैर कंफर्म ड्रॉप करूंगा। आई क्लियरली बोला था रियान पराग और डीकॉक फ्लॉप हो, ग्रैंड लीग में मत रखना। जिसने मेरा बात माना होगा भाई पक्का ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक लाया होगा, क्योंकि कल मेरा 8 रैंक आया था ग्रैंड लीग में। मैंने क्लियरली बोला था कि भाई आज केएल राहुल को कैप्टन बनाना और संजू सैमसन को कैप्टन बनाना। सारे टीमों में संजू सैमसन को कैप्टन बना सकते हो क्योंकि आज के मैच में संजू सैमसन तबाही वाला परफॉर्मेंस करके देने वाला है, ठीक है? तो आज के मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके देगा आपको संजू सैमसन। विकेट कीपिंग भी करता है, एक तो विकेट कीपिंग से पॉइंट देके जाएगा कंफर्म आज विकेट कीपिंग। मैं तो बोलता हूं सेफ कैप्टन आज मुझे संजू सैमसन ही लग रहा है, सेफ कैप्टन। स्मॉल लीग में भी आप सेफ कैप्टन संजू सैमसन को बना सकते हो। संजू सैमसन को कैप्टन बनाओ, वाइस कैप्टन आज बना दो और मार्कस स्टोनिस के बारे में भी बताया था कि बॉलिंग जरूर करेगा, विकेट जरूर लेगा। भाई साहब एक ओवर बॉलिंग किया, सिर्फ 3 रन दिया और 1 विकेट लिया। मुझे समझ में नहीं आया कि केएल राहुल उसको और क्यों नहीं बॉलिंग दिया। अगर और बॉलिंग मिलता ना तो मजा आ जाता, क्योंकि हमारी टीम का वाइस कप्तान था। हमने कल स्मॉल लीग दोनों के दोनों, जो दोपहर में मैच था वो और जो रात में मैच था, दोनों में अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, अल्ट्रा क्लीन स्वीप। अगर बिलीव नहीं है चाहे टेलीग्राम पे देख लो, फुल टीम देता हूं भाई, फुल टीम। जो लास्ट वाला जो मैच था उसका मैंने टीम नहीं दिया। क्यों टीम नहीं दिया? क्योंकि मैंने बकायदा बोल दिया कि वीडियो में जो टीम बनाया था उसी टीम के साथ मैं खेलने जा रहा हूं, आप लोग भी जाके देख लो, उसी टीम से खेल लो। तो मैं सेम टीम से खेला था, जो वीडियो में टीम दिया था उसी टीम से मैं स्मॉल लीग खेला था। ड्रीम पे मैं लगभग 31 कॉन्टेस्ट लगाया था जिसमें 29 कॉन्टेस्ट जीता था, 29 कॉन्टेस्ट। और लीग 11 पे तो बात ही छोड़ दो, माई 11 सर्कल पे तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पे तो इतने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ आप सोच भी नहीं सकते हो। तो भाई साहब कल मज़ेदार विनिंग रहा, दोनों के दोनों सुपर विनिंग किया, वन साइडेड जीता। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप हमारा भाई साहब लीग 11 का जो है ना, देखो ड्रीम का तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन लीग का आपको दिखा सकता हूँ, लीग का विनिंग आप देख सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम में जाके सबसे पहले जाके ज्वाइन हो जाओ और एक लाइक बटन दबा देना। आज मैं आप लोगों को 30,000 का लाइक का टारगेट देता हूँ। देखो डबल हेडर मैच है, दो मैच होता है, मुझे पता है कि शाम तक ये वीडियो रहेगा नहीं क्योंकि 2:30 बजे तक आप लोग वीडियो देखोगे, 3 बजे तक देखोगे, तो इसलिए 30,000 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। 30,000 लाइक कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, ठीक है? जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा। वरना एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप पे जाना, देखो यहाँ पे गिवे भी हम जो गिवे देते हैं ना डेली, उसका यहाँ पे पोस्ट करते हैं किसका किसका कोरियर जा रहा नहीं जा रहा। तो एक काम करना, अगर बाय द वे लिंक वर्क ना करे तो आप स्कैन कर सकते हो फोन से, वरना आप सर्च कर सकते हो। सर्च क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, आपको लिखना है @KUMAR508TFC। जब ये आप लिखोगे ना बिना स्पेस डाले हुए, Kumar508TFC, जब ये लिखोगे पूरा बिना स्पेस डाले हुए, आपको 288,000 का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, ठीक है? उसमें जाके ज्वाइन हो जाना, 290,000 हो जाएगा, जब तक आप लोग देखोगे तब तक 90 हो जाएगा। तो 288,000 का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना, मजेदार होने वाला भाई साहब। आज भी हम लोग वैसे विनिंग करेंगे जैसे कल विनिंग किए थे। बाकी एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बटन दबा देना फटाफट, सबसे पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दो चीज जरूर करना आप लोग।
अच्छा आज के गिवे का जो विनर है ना उसका मैं नाम बताने वाला हूँ। 10 लोग विनर बना है, लेकिन अगर आप लोग को भी विनर बनना है तो कुछ नहीं करना, एक कमेंट करना है, आपको मिलेगा बोट का स्मार्ट वॉच, बोट का एयरटॉप, ये दो चीज़ आपको मिलने वाला है। तो फटाफट जाओ जाके एक कमेंट कर दो, कुछ भी लिखो लेकिन एक कमेंट जरूर करना है, सब लोग एक कमेंट जरूर करना है, ठीक है। विनर बन सकते हो और आपका पिक्चर देखो, जैसे इस भाई लोगों का पिक्चर आया ना मेरे वीडियो में, डेली आता है वैसे, आपका भी फोटो दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। देखो सब लोग के पास, देखो गिवे पहुंचा, सब लोगों के पास गिवे पहुंचा है, ठीक है, आपके पास भी पहुंच सकता है। कल के वीडियो का विनर है, देखो एक शुभम करके है, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, ये फर्स्ट विनर है। कुमार भाई आपका ईमानदारी भाई साहब इसने बहुत तारीफ किया है, लेकिन जो प्रिडिक्शन इसको सही लगा वही चीज़ इसने बोला है। तो ये लोग देखो, कुमार भाई आपका वीडियो जब तक मैं नहीं देखता हूँ कोई भी मैच मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, प्रिडिक्शन बेस्ट लेवल का होता है। तो ये गरिमा करके कोई कुछ नाम है, उसने गिवे जीता है, तो आप भी गिवे जीत सकते हो। ये 10 लोग हैं, डेली 10 लोग गिवे विनर बनता है, सबको मिलता है बोर्ड का स्मार्ट वॉच, बोर्ड का एयरड्रॉप, आप भी विनर बन सकते हो। बात करते हैं वेन्यू के बारे में, तो भाई साहब ये मैच खिलाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और यहाँ पे मैच किसका किसका खिलाया जाएगा, आरसीबी वर्सेस जीटी के साथ, जीएल लिख दिया सॉरी, जीटी के साथ, ठीक है, जीटी के साथ मैच खिलाया जाएगा। और आपको बता दूं आज का मैच जो पहले बैटिंग करेगा ना वही मैच जीतेगा, जो पहले बैटिंग करेगा वही मैच जीतेगा, और जहां तक कि आरसीबी का जीतने का चांस ज्यादा हाई है। वैसे अगर देखोगे गिल का बल्ला अभी बहुत दिनों से शांत है, तो गिल का भी आज बल्ला देखने को मिलेगा। आपको मोटा मोटी सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, आज के मैच में दोपहर में मैच है ना, तो स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, और बैट्समैन इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले अपनी टीम में बैट्समैन को भर लेना, अपनी टीम में बैट्समैन, ठीक है, सबसे पहले तो अपनी टीम में बैट्समैन भर लेना। मैं हर दिन बोल रहा हूँ, इस बार ना 2024 में सिर्फ बैट्समैन को अपनी टीम में रखोगे ना तो आप जीत जाओगे, सिर्फ बैट्समैन को अपनी टीम में भर लेना, क्योंकि आरसीबी का विकेट जल्दी गिरता नहीं है, आपको पता होगा विराट कोहली फैब ये सब का जल्दी, ये लोग जल्दी विकेट देता नहीं है, तो भाई साहब इसलिए बैट्समैन को अपनी टीम में लेके चलना। उधर से सुमन गिल भी अच्छा खेलेगा, साई सुदर्शन भी अच्छा खेलेगा, विधिमान साहब भी अच्छा खेल सकता है, तो विकेट जल्दी गिरेगा नहीं, तो सबसे पहले अपने टीम में बैट्समैन रख लेना, क्योंकि इस पिच पे बैट्समैन को यहाँ पे मदद मिलेगा। लेकिन हाँ, ये दोपहर में मैच है, यहाँ पे दोपहर में मैच खेला जाएगा, पिछले बार भी जब दोपहर में मैच हुआ था नूर रहमान ने 2 विकेट लिया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिनर दो नंबर पे, यहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिलता है, और डेथ बॉलर फिर 3 नंबर पे अपने टीम में डेथ बॉलर रखना। लेकिन पहले किसको रखना, पेसर्स, डेथ बॉलर पेसर, जैसे मोहित शर्मा हो गया, ठीक है, मोहित शर्मा हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो आरसीबी की तरफ से सिराज हो सकता है, सिराज, लेकिन सिराज उतने इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी टीम में बैट्समैन को सबसे पहले प्रेफर कर देना इस वेन्यू पे और इस पिच पे, बैट्समैन को सबसे ज़्यादा अपनी टीम में प्रेफरेंस देना। 2 नंबर पे अपनी टीम में स्पिनर को रखना, जैसे राशिद खान नूर अहमद, ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा। और 3 नंबर पे डेथ बॉलर, जो कि फास्ट बॉलिंग फेंकता हो लेकिन जो डेथ में बॉलिंग फेंकता हो, जैसे कि आपको बता दिया मोहित शर्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया, यहाँ पे रन अच्छे खासे बनते हैं, 200 प्लस रन बनते हुए दिखाई देगा। अगर आज से भी बैटिंग किया तो 220 भी, 230 भी दिखाई दे सकता है। टोटल यहाँ पे 31 मैचेस हुआ है, फर्स्ट बैटिंग करने वाला 13 बार, सेकंड बैटिंग करने वाला 17 बार जीता, एक बार मैच टाई रहा है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज रन मैंने आपको बता दिया 180 से प्लस रन बनेगा, एवरेज रन 180 से प्लस बनेगा। स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे 170 से 190 के बीच में सबसे ज्यादा रन बना है इस वेन्यू पे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो ये 4 मैच का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, टॉस अपडेट जब होता है ना तो 3:45 मैच है ना, तो 2:50 पे एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आएगा, वो मैं आपको लाइव सेशन में बता दूंगा। कल मैं लाइव आऊंगा, ठीक है, सॉरी आज मैं लाइव आऊंगा, कल की बात करता हूं मैं, क्योंकि वीडियो एक दिन पहले शूट करता हूं रात में, तो मुझे कल याद आ रहा था। तो आज मैं लाइव आऊंगा 1:30 बजे, तो आप लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाना, ठीक है, जहां पे आपको हिंदी से पढ़ के बाकायदा पिच रिपोर्ट समझा दूंगा, और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, वहां पे भी आपको पिच रिपोर्ट मिल जाता है, फोटो के साथ, ऑडियो के साथ, बाकायदा लिख के भी देता हूं। तो 17 अप्रैल 2024 को मैच खेला गया था गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के साथ, जीटी वर्सेस दिल्ली कैपिटल के साथ मैच खेला गया था। ये मैच 17 अप्रैल 2024 को खेला गया था, जिसमें कि 89 रन का पारी खेला था, ऑल आउट हो गया था गुजरात, दिल्ली कैपिटल ये मैच जीता था। टोटल विकेट देखोगे 14 विकेट गिरा है, जिसमें कि फास्ट बॉलर ने 9 विकेट लिया था,
स्पिनर को मिला था 4 विकेट, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो 4 अप्रैल 2024 को मैच खेला गया था गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के साथ। ये मैच पंजाब जीता था, जिसमें कि फास्ट बॉलर को कितना विकेट मिला है, 4-3, 7 विकेट। स्पिनर को कितना मिला है, 4 विकेट। तो अगर ओवरऑल देखोगे 7-3, 10 विकेट गिरा था यहां पे, 10 विकेट गिरा है, ठीक है। 31 मार्च 2024 को खेला गया था हैदराबाद वर्सेज गुजरात के साथ। ये मैच गुजरात जीता था, जिसमें कि 6 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था और स्पिनर को मिला था 4 विकेट, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो कितना विकेट गिरा है, 3 विकेट इसका गिरा था और 8 विकेट इसका गिरा था, 8, 9, 10, 11 विकेट गिरा है, 11 विकेट टोटल गिरा है, ठीक है। इधर से 24 मार्च 2024 को मैच खेला गया था गुजरात वर्सेज मुंबई के साथ। ये मैच गुजरात जीता था, जिसमें कि फास्ट बॉलर ने यहाँ पे अच्छे खासे विकेट लिए और इसमें मोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था, 8 विकेट, 8 और 5 कितना हो गया, 8, 5 हो गया शायद, 13 है ना, 13 विकेट, 13 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था और यहाँ पे स्पिनर ने 2 विकेट लिया था, तो 15 विकेट। अगर आप ओवरऑल देखोगे कितने विकेट होता है, 20 विकेट, तो मतलब 20 विकेट गिरता है दोनों टीम की तरफ से, 10-10 विकेट गिरता है, 10-10 विकेट। 20 विकेट में अगर आप देखोगे 14 विकेट, 10 विकेट, 15 विकेट और 11 विकेट गिर रहा है, मतलब ओवरऑल अगर आप मानो तो आज आरसीबी का मैच है, मान लो समझो 10 विकेट गिर सकता है, आप सबसे लास्ट वाला ले लो, ये ले लो 10 विकेट, तो 20 विकेट में मान लो 10 विकेट गिरा, तो 10 विकेट बचा तो कहीं ना कहीं बैट्समैन यहाँ पे अच्छे खासे परफॉर्मेंस करने वाला है, और 10 विकेट लेगा तो वो कौन लेगा, या तो स्पिनर या तो डेथ में जो बॉलिंग फेंकता वो। तो यहाँ पे अगर देखोगे पेसर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट लिया, 35 विकेट, लेकिन ये मैच दोपहर में खेला जाएगा इसलिए थोड़ा सा स्पिनर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट इनिंग के मुताबिक अगर देखो तो सेकंड इनिंग में यहाँ पे दोनों इनिंग में विकेट एक जैसा गिरता है। हेड टू हेड मैच की बात करते हैं, अगर हेड टू हेड मैच देखोगे, ये मैच बेंगलुरु में खेला गया था 21 मई 2023 को, ठीक है, आरसीबी वर्सेस गुजरात के साथ, जिसमें कि आरसीबी ने बनाए थे 197 रन और गुजरात बनाए थे 198, जिसमें गिल सेंचुरी ठोका था, विजय संगत 53 रन का पारी खेला था, नूर अहमद 2 विकेट, एक विकेट राशिद खान। इधर से विराट कोहली ने सेंचुरी ठोका था, फैफ डू प्लेसिस 28 रन, ब्रेसवेल 26 रन और 2 विकेट लिया था सिराज ने। तो भाई साहब यहाँ पे गिल से सेंचुरी निकला है, इधर से विराट से सेंचुरी निकला है, तो आज हम यही दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। अगर पॉइंट टेबल की बात करते हैं, 7 और 10 की लड़ाई है, क्योंकि आरसीबी सबसे नीचे है, अब तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकता आरसीबी, किसी हाल में क्वालिफाई नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो 9 मैच खेला, 2 जीता है और 7 हारा है, 2 जीता है और 7 हारा है। वहीं गुजरात की बात करते हैं, गुजरात टाइटंस अगर देखोगे तो 9 मैच में 4 जीत है और 5 हार है, ठीक है। गुजरात के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसीबी के लिए उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे लगा कि बिंदास तरीके से आरसीबी आज का मैच खेलने वाला है, ठीक है, आरसीबी बिंदास तरीके से खेलेगा। अब अगर यहाँ पे देखोगे लखनऊ 4th पोजीशन पे है, दिल्ली 5 पे है, सीएसके 6 पे है, सबसे ऊपर आरआर है। माई 11 सर्कल ऐप डेली बताता हूँ, डेली आप लोगों को बोल रहा हूँ कि माई 11 सर्कल ऐप पे खेलो, यहाँ पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट आओगे 1 करोड़ तो मिलेगा, ऊपर से अगर आप अभी डाउनलोड करोगे मेरे रेफरल से, नीचे आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, डाउनलोड कर सकते हो माई 11 सर्कल, तो आपको 1500 का कैश बोनस मिल जाएगा, इंस्टेंट मिलेगा। और आपको फ़ायदा क्या है, देखो अगर आप मेरे रेफरल से डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, करोगे ना तो आपको बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं एक बार पेन स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ना 20% रियल कैश मनी मिल रहा है, 20% रियल कैश मनी, मतलब 200 डिपॉजिट करोगे तो 240 मिलेगा, 500 पे 600 मिलेगा, 1000 पे 1200 मिलेगा, ये आपको रियल कैश मनी मिलेगा, जिसको कि आप स्मॉल लीग खेल के या ग्रैंड लीग खेल के आप विड्रॉ मार सकते हो, 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। अगर मेरे रेफरल से डाउनलोड करोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में माई 11 सर्कल का लिंक डाल दिया हूँ, डाउनलोड कर लेना और खेलना स्टार्ट कर देना, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, आरसीबी की तरफ से देखोगे फैफ डू प्लेसिस, विराट कोहली दोनों ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा, फिर आएगा विल जैक, रजत पाटीदार, कैमरॉन ग्रीन, महिपाल लैमरो, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, लोकी फर्गुसन, सिराज और अस दयाल। 4 ओवर कौन कौन बॉलिंग करेगा, अस दयाल 4, सिराज 4, लोकी फर्गुसन का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है 4 ओवर करेगा नहीं करेगा शायद, ठीक है, फिर भी अभी तो फिलहाल तो पिछला मैच में किया था 4 ओवर। करण शर्मा ठीक है, क्योंकि स्पिनर को दोपहर में हेल्प मिलेगा, और कहीं ना कहीं कैमरॉन ग्रीन 4 ओवर करेगा। इधर से बात करते हैं, अगर स्पिनर को हेल्प मिला तो विल जैक भी कर सकता है, ठीक है, विल जैक भी कर सकता है, ऑप्शन है इसके पास। इधर से अगर देखोगे तो मोहित शर्मा 4 ओवर बॉलिंग करेगा, नूर अहमद 4 ओवर करेगा, संदीप वॉरियर 4 ओवर, साई किशोर को हो सकता है दोपहर में मैच खिला सकता है,
और राशिद खान, ये ठीक है, राशिद खान मुझे लग रहा है 4 ओवर करेगा। साई किशोर, और अगर साई किशोर देखोगे उसके बाद देखो नालकंडे है, इनमें से ओवर कट हो सकता है, ठीक है, इसमें ओवर कट हो सकता है, या तो अमर जाई, ये 3 बॉलर है जो पार्ट टाइम बॉलर है, साई किशोर, अमर जाई और नालकंडे, ठीक है, इनमें से हो सकता है 2 ओवर ये कर दे, 1 ओवर साई किशोर कर दे, 1 ओवर नालकंडे कर दे। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा साई किशोर को 1 ही ओवर बॉलिंग मिला था। चलिए प्लेयर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आरसीबी के प्लेयर के बारे में समझते हैं। आरसीबी का अगर प्लेयर के नाम जहां पे आता है वहां पे विराट कोहली का नाम तो जरूर आता है। सबसे पहले अगर देखोगे फैब डु प्लेसिस पिछले मैच में 25 रन का पारी खेला, फर्स्ट बैटिंग करेगा, आज ताबड़तोड़ बैटिंग करेगा, स्मॉल लीग टीम में लेके चलेंगे, 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, क्योंकि एक तो टीम का कैप्टन है, टेक्निकल बैट्समैन है। फॉर्म की बात करते हैं तो इस वेन्यू पे 2 मैच खेला, 26 रन ही बनाया है, 13 का एवरेज रिकॉर्ड है, तो फैब को हम अपनी टीम में लेके चलेंगे, मुझे लग रहा है कि आज एवरेज पॉइंट देके जाएगा, कैप्टन वाइस कप्तान नहीं बनाऊंगा। जीटी के अगेंस्ट में एक मैच खेला था, 69 रन का पारी खेला था, 70 रन का पारी खेला था, लास्ट आईपीएल 55 का एवरेज गया था, लास्ट आईपीएल तो बहुत ही बढ़िया खेला था फैब, ठीक है, इस बार नहीं चल पा रहा, इस बार कुछ नए प्लेयर ही चल रहा है, तो फैब डु प्लेसिस को स्मॉल लीग टीम में लेके चलेंगे, ठीक है। आज के मैच में विराट कोहली को कैप्टन बना रहा हूँ, आज विराट कोहली देखोगे इस वेन्यू पे 29 का एवरेज रिकॉर्ड है, लेकिन जीटी के अगेंस्ट में 77 का एवरेज रिकॉर्ड है, 77 पिछले मैच में 51 रन का पारी खेला, उसके पहले 18-42, तो बहुत ही बड़ा इनिंग पारी खेलता है। लेकिन विराट कोहली को मैं कैप्टन तब बनाऊंगा जब आरसीबी पहले बैटिंग करे, अगर बाय द वे अगर गुजरात पहले बैटिंग करेगा ना तो हो सकता है कि मैं सुमन गिल को भी कैप्टन बना सकता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लो, 288,000 लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो चुका है, 1 लाइक बटन दबा देना, 20,000 लाइक का, 30,000 लाइक का टारगेट दिया हूं, ठीक है। विल जैक की बात करते हैं, विल जैक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, आज बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी अगर देखोगे पिछले मैच में 1 ओवर 1 विकेट भी लिया था, और बैटिंग भी करने का क्षमता रखता है विल जैक, इंपॉर्टेंट रहेगा आज के मैच के लिए, 30 से तो प्लस ही पॉइंट देके जाएगा, वैसे एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या वन डाउन बैटिंग करेगा, टेक्निकल बैट्समैन, तो इसलिए टीम में लेके चलूंगा। रजत पाटीदार की बात करते हैं, मैंने पिछले मैच में भी बोला था कि भाई अगर आज से भी बैटिंग फर्स्ट करे तो रजत पाटीदार इंपॉर्टेंट होगा, और आपको बता दूं रजत पाटीदार का इस वेन्यू पे 40 का एवरेज रिकॉर्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आज के मैच में भी रजत पाटीदार इंपॉर्टेंट होगा, पहले बैटिंग करे तो रजत पाटीदार को आज के मैच में भी अपनी टीम में लेके चलेंगे, ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, ठीक है। 26 का एवरेज रिकॉर्ड है जीटी के अगेंस्ट में, लास्ट सीजन 55 का एवरेज गया था, इस सीजन भी बहुत बढ़िया जा रहा है, अच्छा जा रहा है, इस वेन्यू पे भी 40 का एवरेज रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये आरसीबी का ये चारों प्लेयर को अपनी टीम में जरूर रखना। देखो यहाँ पे बैट्समैन ही ज़्यादा अच्छा करता है, ठीक है, तो बैट्समैन को ड्रॉप करने से मत ड्रॉप करना, बैट्समैन को कन्फर्म रखना अपनी टीम में, ड्रॉप करके कोई फायदा नहीं है बैट्समैन को। अब बात करते हैं कैमरॉन ग्रीन, पिछले मैच में कैमरॉन ग्रीन ने 2 विकेट लिया था, साथ में 37 रन का पारी खेला था, इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, ठीक है, ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। फॉर्म की बात करते हैं 31 का एवरेज, जीटी के अगेंस्ट में 22 का एवरेज रिकॉर्ड है, ठीक है। महिपाल लैमरॉर की बात करते हैं, महिपाल लैमरॉर को मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ, जीएल टीम में ट्राई करूंगा, लेकिन बैटिंग आने का बहुत कम चांस है, ठीक है, और अगर आएगा भी तो हो सकता है कि पहले गुजरात बैटिंग करे, बहुत बढ़िया बैटिंग कर देता तो हो सकता आ भी सकता, वरना बहुत कम चांस। दिनेश कार्तिक का बैटिंग आने का चांस अगर आप देखोगे तो आज के मैच में सेकंड इनिंग में आ सकता, फर्स्ट इनिंग में तो ना के बराबर दिख रहा है, तो देख लेना, बाकी इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है दिनेश कार्तिक का, तो मुझे लगा सेकंड इनिंग में इसको रखूंगा, फर्स्ट इनिंग में नहीं रखूंगा, ठीक है, सेकंड इनिंग में दिनेश कार्तिक इंपॉर्टेंट रहेगा। करण शर्मा आज हो सकता खेल सकता है, क्योंकि दोपहर में मैच है ना, तो दोपहर में गर्मी वैसे भी अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा रहता है, तो तुम सूखा ड्राई पिच होगा, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का क्रैक भी होगा, तो कहीं ना कहीं स्पिनर को भी हेल्प मिलेगा। पिछले मैच में भी 2 विकेट लिया था करण शर्मा ने, और मैंने बोला भी था कि ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा करण शर्मा, खेले तो अपनी टीम में रख लेना, 7 मैच में 10 विकेट लिया है लास्ट सीजन। लॉकी फर्गूसन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस वेन्यू पे, और इसलिए मैं अपनी टीम में भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ लॉकी फर्गूसन का, लेकिन फॉर्म की बात करते हैं इंटरनेशनल मैचेस में इसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, देख लेना, जीएल में ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है ना इस वेन्यू पे ना जीटी के गज में। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, इस वेन्यू पे मोहम्मद सिराज का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इस वेन्यू पे विकेट नहीं ले पाता है, तो इसलिए मैं आज मोहम्मद सिराज को भी नहीं रखा हूँ, बाकी सिराज जब विकेट लेता गुच्छे में लेता बंडल में, तो देख लेना, अगर आप पूरी तरीके से आरसीबी को जिता रहे हो तो ही सिराज को रखना अपनी टीम में, ठीक है, क्योंकि पिछले मैच में भी इसने विकेट नहीं लिया था, कहीं ना कहीं आज विकेट तो लेगा पक्का, 1 विकेट तो लेगा, बाकी किस्मत साथ दिया तो 2 भी विकेट ले सकता है। अर्षदयाल की बात करते हैं, 4 मैच में 2 विकेट, पिछले मैच में भी 1 विकेट अर्षदयाल, ठीक है, लेकिन इस वेन्यू पे अगर देखोगे कोई खास एवरेज रिकॉर्ड है नहीं। सौरभ चौहान डोमेस्टिक लेवल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है,
सुयास प्रभुदेसाई की बात करते हैं, 5 मैच लास्ट सीजन खेला था, 41 रन बनाया, 8 का एवरेज रिकॉर्ड है। स्वप्निल सिंह अच्छा खासा बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेता है। हिमांशु शर्मा की बात करते हैं, इसका रिकॉर्ड उतना खास नहीं है। राजन कुमार की बात करते हैं, 2 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। टॉम करन की बात करते हैं, 3 मैच में 4 विकेट, टॉम करन 3 मैच में 4 विकेट, क्या पता मौका मिले या ना मिले, अगर मिले तो इम्पोर्टेंट रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल खेल नहीं रहा है, खेलेगा तो ताबड़तोड़ आज बैटिंग करेगा, मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, अगर खेले जिस दिन खेले डायरेक्ट उस दिन कैप्टन बना देना, ठीक है। जिस दिन खेले मैक्सवेल, जिस दिन खेले डायरेक्ट कैप्टन बनाना, आपको मेगा कॉन्टेस्ट जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद कहते हैं मनोज बनर्जी, अगर देखोगे तो इसका रिकॉर्ड डोमेस्टिक लेवल में अच्छा है, 63 रन 1 विकेट 2 विकेट डोमेस्टिक लेवल में अच्छा किया। अल्जारी जोसेफ 4 मैच में 4 विकेट लिया इस वेन्यू पे, लास्ट सीजन में 7 मैच में 7 विकेट लिया था। अनुज रावत बैटिंग अच्छा कर लेता है, स्टार्टिंग में खेला भी था, 23 का एवरेज रिकॉर्ड है हिट टू हिट में। विजय कुमार, अगर विजय कुमार को भी मौका नहीं मिल रहा, पिछले सीजन में अच्छा किया था, 7 मैच में 9 विकेट लिया था। आकाशदीप राइटर मिडिल फास्ट बॉलर, 2 मैच में 1 विकेट लिया हिट टू हिट में। रिच टॉपले अगर खेला, जो कि लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, लास्ट सीजन में 1 मैच में 1 विकेट लिया था। हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात के प्लेयर के बारे में। सबसे पहला जो नाम आता है शुभमन गिल। शुभमन गिल अगर देखोगे ना, 3 मैचों से चला नहीं है, और पिछले साल शुभमन गिल कितना परफॉर्मेंस किया था, 17 मैच में 890 रन, 60 का एवरेज रिकॉर्ड था, ऑरेंज कैप विनर था पिछले 2023 में। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था, मैंने पिछले मैच में शुभमन गिल फ्लॉप बोला था ना, मैंने शुभमन गिल को ड्रॉप करके मैंने अपनी टीम में साई सुदर्शन को कैप्टन बनाया था। शुभमन गिल को रखा था लेकिन साई सुदर्शन को मैंने अपनी टीम में कैप्टन बनाया था। मैंने क्लियरली बोला था कि पूरा दुनिया शुभमन गिल को कैप्टन बनाएगा, मेरे टीम में साई सुदर्शन कैप्टन होगा। भाई साहब जैकपॉट विनिंग किए थे स्मॉल लीग जैकपॉट, और ग्रैंड लीग में हमारा कितना रैंक आया था, 14 रैंक आया था। और एक बंदा आपने देखा होगा मेगा कॉन्टेस्ट में 8 रैंक आया था, आपने देखा होगा। शुभमन गिल को हमने अपनी टीम में कैप्टन नहीं बनाया था, वीडियो में भी नहीं बनाया था, लेकिन आज के मैच में हम कैप्टन बना सकते हैं। आज के मैच में ये चलेगा क्योंकि होम ग्राउंड है, अहमदाबाद में खेला जाएगा और यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस है, 52 का एवरेज रिकॉर्ड है। तो आज तो मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल के बल्ले से सेंचुरी भी निकल सकता है, मैं तो कैप्टन बनाऊंगा आज के मैच में। अगर पहले बैटिंग किया कैप्टन, सेकंड बैटिंग किया तो वाइस कैप्टन, फिर मैं विराट कोहली को कैप्टन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लॉप बोला था, फ्लॉप हुआ, यहाँ पे भी फ्लॉप बोला था। जिस मैच में मैंने फ्लॉप बोला है उस मैच में फ्लॉप हुआ, जिस मैच में परफॉर्मेंस बोला है उस मैच में इसने परफॉर्मेंस करके दिया है। तो और फ्लॉप होने का रीजन एक ही कारण है, बस वही कैप्टनसी। पिछले साल क्या था, कैप्टनसी का प्रेशर नहीं था, हार्दिक पांड्या कैप्टन था, इस बार शुभमन गिल कैप्टन है, तो कैप्टनसी का प्रेशर एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। तो शुभमन गिल को टीम में लेके चलना कन्फर्म। विद्यमान साहब पहले इनिंग अगर बैटिंग करे तो लेके चलना, क्योंकि अभी फॉर्म में दिखाई दे रहा, लास्ट मैच भी देखोगे 39 रन का पारी खेला, इस वेन्यू पे 19 का एवरेज रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं, और विकेट कीपिंग भी करेगा, आपको 30 पॉइंट तो दे ही देगा, तो इसलिए बॉलर से ज़्यादा कोई देके जाएगा। और आपको क्लियर बता दिया कि बैट्समैन को ही अपनी टीम में लेके चलना। कल भी मैंने डिकॉक फ्लॉप बोला था, रियान पराग फ्लॉप बोला था, रिस्क, और पहला मैच में हमारी टीम में साई होप इंपॉर्टेंट था, मेरे स्मॉल लीग टीम में साई होप था, अभिषेक पौरेल था मेरे टीम में, भाई साहब सोच सकते हो कितने खतरनाक। कल हम लोग दोनों के दोनों स्मॉल लीग वन साइड जीते, कल के दोनों के दोनों मैच हम लोग वन साइड जीते थे। उसी बात पे एक लाइक बनता है, 30,000 लाइक का टारगेट दिया हूँ, होप आप लोग पूरा कर दोगे, इतना तो मुझे पता है, आप लोग पे बिलीव है कि 30,000 लाइक कंप्लीट कर दोगे। बाकी टेलीग्राम जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, जहाँ पे आपको फाइनल टीम मिलेगा, ग्रैंड लीग टीम मिलेगा, टॉस अपडेट, पिच रिपोर्ट, सब कुछ मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। 2,88,000 लोग ज्वाइन हो चुका है, आप भी ज्वाइन हो जाना। बाकी बात करते हैं साई सुदर्शन, टेक्निकल प्लेयर है, पिछले मैच का मेरे टीम का कैप्टन था, स्मॉल लीग का कैप्टन था, और भाई साहब क्या खतरनाक पॉइंट देके गया था, 65 रन का पारी खेला। भाई ये अच्छा खेलता है, इसको तो मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा, सारे ग्रैंड लीग टीम में रखूंगा भाई, आउट हो या ना हो, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है आज मैं जीएल टीम में इसको जरूर कैप्टन बनाऊंगा। आज मुझे हो सकता है कि साई सुदर्शन फिर से एक बेहतरीन पारी खेलते हुए दिखाई दे सकता है। आज साई सुदर्शन के बल्ले से 50 तो मैंने पिछले मैच में बोला था, हो सकता है आज इसके बल्ले से भी सेंचुरी निकलते हुए दिखाई दे सकता है, तो मैं जीएल टीम में कैप्टन बनाऊंगा। बाकी उमर जाय की बात करते हैं, पिछले मैच में कुछ कर नहीं पाया था, 3 मैच में 17 6 का एवरेज रिकॉर्ड है, 4 विकेट लिया इस वेन्यू पे, तो अगर आज 2 डाउन बैटिंग दिखाई दे तो रखना, अगर 2 डाउन बैटिंग ना हो तो ड्रॉप कर देना, ठीक है, क्योंकि वैसे भी फॉर्म अच्छा नहीं है। डेविड मिलर मुझे लग रहा है कि आज के मैच में, पिछले मैच में भी मिलर मेरे टीम का ट्रम्प कार्ड प्लेयर था, सारे टीमों में मैंने बोला था मिलर को रखने के लिए, मेरे स्मॉल लीग टीम में भी डेविड मिलर था,
आप लोगों को पता होगा, जो मेरे टेलीग्राम पे होगा जाके देख लेना। डेविड मिलर मेरे हर हर टीम में था। आज भी डेविड मिलर पहले बैटिंग करेगा तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। सेकंड इनिंग में भी मुझे लग रहा है कि ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, क्योंकि आज आसबी के साथ मैच है और आसबी रन बनाने वाला है खतरनाक। तो कहीं ना कहीं मिलर का फिर से बैटिंग आएगा और आज के मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। और आसबी के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि आउट कर सकता, मिलर के खिलाफ कोई ज्यादा खतरनाक प्लेयर बैटल नहीं है। 20 का एवरेज रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, आसबी के केस में 27 का एवरेज रिकॉर्ड है और लास्ट सीजन जो गया था 32 का। तो कहीं कहीं देखोगे तो सब चीज मिलर के फेवर में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, स्मॉल लीग टीम में लेके चलना। राहुल तेवतिया की बात करते हैं, पिछले महीने में 4 रन बना के आउट हो गया था। इस वेन्यू पे 28 का एवरेज रिकॉर्ड है, जीएल में ट्राई करना, ग्रैंड लीग में। ऐसे प्लेयर जीएल जिता देते हैं क्योंकि ऐसे प्लेयर का सिलेक्शन बहुत कम होता है। राशिद खान इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोपहर में मैच है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 14 मैच में 17 विकेट, 13 मैच में 15 विकेट। तो कहीं ना कहीं राशिद खान अगर बॉलिंग से पॉइंट नहीं देता उस दिन बैटिंग से देता, जिस दिन बैटिंग से नहीं देता उस दिन बॉलिंग से पॉइंट देके जाता। तो आज के मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, मुझे लग रहा है 2 विकेट तो लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे साई किशोर। पिछले मैच में साई किशोर को बॉलिंग ही नहीं मिला भाई, एक ओवर मात्र मिला बॉलिंग, क्या ही बोले, वो भी लास्ट में। अब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अगर स्पिनर को हेल्प मिला तो बॉलिंग मिल सकता है। अगर मिलेगा इसको 4 ओवर बॉलिंग मिलेगा तो सीधे सीधे जीएल का कैप्टन है भाई, ये जीएल टीम का कैप्टन है। अगर 4 ओवर बॉलिंग मिलेगा तो एक टीम में जरूर कैप्टन बना के चलना, अगर किस्मत साथ दिया ना उस टीम से आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। लेकिन जिस टीम में साई किशोर को आप कैप्टन बनाओगे ना, उस टीम में आप ना रिस्की प्लेयर को ज्यादा मत रखना, सेफ प्लेयर ही ज्यादा रखना। ठीक है, जीत सकते हो अपनी टीम से। संदीप वॉरियर पिछले मैच में क्या बॉलिंग किया भाई साहब, मैंने अपने एक ग्रैंड लीग टीम में रखा था वॉरियर को, लेकिन वही बात है उस टीम मेरे टीम में साई किशोर भी था। तो संदीप वॉरियर देखोगे 3 विकेट पिछले मैच में लिया था, स्लो बॉलिंग फेंकता है, कई बार परेशान कर देता है सामने वाली टीम को, लेकिन आज इसकी कुटाई होगा बहुत खतरनाक, आज ये फ्लॉप जाएगा। जो लोग इनको रख रहा है ना वो पछताएगा, देख लेना। नूर अहमद आज इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो एक विकेट तो खैर कन्फर्म लेगा क्योंकि दोपहर में मैच है, ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। मोहित शर्मा भी आज के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, 2 से प्लस विकेट लेगा। पिछले मैच में फ्लॉप था लेकिन आज के मैच में परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि जीटी के वेन्यू पे मोहित शर्मा का रिकॉर्ड ना नेक्स्ट टू लेवल है, 12 मैच में 26 विकेट लिया। मैं तो बोलता हूँ कि वाइस कप्तान भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, मोहित शर्मा इंपॉर्टेंट होगा, 2 से प्लस विकेट लेगा। नूर अहमद भी, संदीप वॉरियर मुझे फ्लॉप दिखाई दे रहा। जयंत यादव, मानव सुथार, दर्शन नालकंडे, नालकंडे का रिकॉर्ड देखोगे एक मैच में 1 विकेट लिया लास्ट सीजन। उसके बाद त्यागी की बात करते हैं, डोमेस्टिक लेवल में ठीक ठाक रिकॉर्ड है लेकिन हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जे लिटिल खेल नहीं रहा, 10 मैच में 7 विकेट लिया। शाहरुख खान देखोगे 4 मैच में 47 रन, 12 का एवरेज रिकॉर्ड है। अभिनय मनोहर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आता है, 23 का एवरेज रिकॉर्ड है, अच्छा बैटिंग कर लेता है। स्पेंसर जॉनसन, अगर पेसर्स को हेल्प मिला तो जॉनसन खेल सकता है, 2 मैच में 3 विकेट लिया स्पेन पे। भरत का तो चांस नहीं है, बहुत कम चांस है क्योंकि विद्वान शाह खेल रहा है। कैन विलियमसन का खेल चांस नहीं है क्योंकि मिलर खेल रहा है, मिलर जब तक खेलेगा अच्छा तो कैन विलियमसन नहीं खेलेगा, वैसे 26 का एवरेज रिकॉर्ड है। मैथ्यू वेट का बिग चांस नहीं है क्योंकि मिलर खेल रहा है। ठीक है, विजय शंकर का रिकॉर्ड अच्छा है, 35 का इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर हो सकता है दिखाई दे तो ग्रैंड लीग टीम में रख लेना। उमेश यादव खेल नहीं रहा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बॉलिंग किया, गुजरात जीत भी रहा था, बस उमेश यादव बैठ गया। अगर देखोगे राइट आर्म मिडल फास्ट बॉलर, इस सीजन बहुत बढ़िया कर रहा था उमेश यादव। चलिए प्लेयर बैटल समझते हैं। प्लेयर बैटल अगर आप देखोगे ना, फैफ डू प्लेसिस को मोहित शर्मा ने आउट किया 3 बार लेकिन 53 बॉल पे 60 रन देखे। विराट कोहली को राशिद खान ने 2 बार आउट किया लेकिन रन अच्छा खासा दिया, 88 रन दिया है। दिनेश कार्तिक को राशिद खान ने 3 बार आउट किया, हाँ दिनेश कार्तिक ने राशिद खान को परेशान, राशिद खान ने दिनेश कार्तिक को परेशान किया है, ये चीज़ है। उसके बाद विद्यमान साहब को सिराज ने आउट किया 3 बार और बहुत बुरी तरीके से आउट किया सिराज ने विद्यमान साहब को। तो आज भी देख लेना, अगर विद्यमान साहब आउट होगा तो हो सकता है सिराज के बॉल पर आउट हो सकता है। ठीक है, चलिए मेरा प्रिडिक्शन सुन लीजिए। आज का मैच जो फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा वो ये मैच जीतेगा। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि जो फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा वही मैच जीतेगा, ऐसे हुआ था ना, वैसे आज भी बता रहा हूँ। जो आज का मैच, जैसे हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का मैच था, मैंने क्लियरली बोला था कि जो टीम बैटिंग पहले करेगा वही टीम जीतेगा, और आरसीबी बैटिंग फर्स्ट किया था, मैंने लाइव सेशन में क्लियरली बोल दिया था कि आरसीबी मैच जीतेगा। ठीक है, तो लाइव सेशन जुड़ जाना, मैं डेली आता हूँ, 1:30 बजे मैं लाइव आ जाऊँगा, 1:30 बजे वहाँ पर मैं बता दूंगा कौन टीम जीतेगा कौन टीम हारेगा। ठीक है, बाकी जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगा वो टीम जीतेगा। सेकंड जो पॉइंट है, विराट कोहली 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कैप्टन वाइस कप्तान बना सकते हो। कल आपको दोनों के दोनों मैच जैकपॉट विनिंग कराया था, मैंने डिकॉक लिख के दिया था कि डिकॉक फ्लॉप होगा, डिकॉक फ्लॉप हुआ था। रियान पराग 50-50 कॉल है, फ्लॉप होने का चांस है, रियान पराग भी फ्लॉप हुआ था। कल हमारे पहले जो फर्स्ट मैच था मुंबई इंडियंस
के साथ मुंबई इंडियंस का जो मैच था, मुंबई इंडियंस उसमें आपने देखा होगा, और दिल्ली कैपिटल, एमआई वर्सेस दिल्ली कैपिटल का, जिसमें कि हमने अपने स्मॉल लीग टीम में अभिषेक पौरेल को रखा था और साई होप को रखा था, जिसके कारण हम लोग स्मॉल लीग वन साइड जीते थे। और कैप्टन कौन था हमारा, कौन था दिल्ली कैपिटल का, कौन था कैप्टन, देखो ऋषभ पंत को हमने कैप्टन बनाया था, जिसने हमें अच्छा खासा पॉइंट देके गया। तो भाई साहब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम जुड़ जाया करो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। फुल टीम दिया था, जाके देखना, और वन साइडेड विनिंग किया था। आज 30,000 लाइक का टारगेट दिया हूँ, देखते हैं आप लोग पूरा करते हो नहीं करते हो। फैफ डु प्लेसिस फर्स्ट इनिंग में मुझे लग रहा कि बढ़िया बैटिंग करेगा, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस करके देगा, ठीक है। विल जैक आज इंपॉर्टेंट रहेगा, कैमरन ग्रीन भी आज आपको 30 से 35 के आसपास पॉइंट देते हुए दिखाई देगा। आसबी की तरफ से अगर देखोगे, आसबी अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग किया आसबी, तो दिनेश कार्तिक इंपॉर्टेंट होगा। आसबी अगर सेकंड इनिंग बैटिंग किया तो दिनेश कार्तिक सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा। आज के मैच आसबी आज का मैच आरसीबी का जो मोस्ट बॉलर है ना, वो मुझे लग रहा है फ्लॉप होगा। मुझे लग रहा है आरसीबी का बॉलर आज ज़्यादा विकेट नहीं लेगा, फ्लॉप जाएगा। जीटी की तरफ से शुभमन गिल आज 50 से प्लस रन बनाते हुए दिखाई दे सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। साई सुदर्शन भी आज इंपॉर्टेंट रहेगा, पिछले मैच में मैंने साई सुदर्शन को कैप्टन बनाया था स्मॉल लीग में, और शुभमन गिल को मैंने अपनी टीम में कैप्टन नहीं बनाया था। आप सभी को पता होगा, पूरा दुनिया शुभमन गिल को कैप्टन बनाया था, मेरा कैप्टन साई सुदर्शन था, वीडियो में भी साई सुदर्शन ही कैप्टन था। तो उसी तरह, लेकिन आज मैं गिल को कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा और यहाँ पे अच्छा खेलता है गिल। विद्यमान साहा अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग किया तो अच्छा करेगा, सेकंड इनिंग में मुझे लगा कि नहीं चलेगा। सेकंड इनिंग में आज डेविड मिलर ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, डेविड मिलर आज फिर से। राशिद खान आज आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जा सकता है, इंपॉर्टेंट होगा। मोहित शर्मा आज डेथ में अगर बॉलिंग किया, डेथ ओवर में, मुझे लगा कि मोहित शर्मा 2 से प्लस विकेट लेके देगा। नूर अहमद आज खेला तो 1 से प्लस विकेट लेके देगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिलता है, दोपहर में मैच है, मिलेगा हेल्प। चलिए टीम बना लेते हैं, अगर टीम की बात करते हैं, देखो मैंने एक टीम बना लिया है। देखो क्लियरली बताऊं, आसबी का मैच है और जीटी का मैच है, गुजरात टाइटंस वर्सेस बेंगलोर का मैच है, तो यहाँ पे आपको बता दूँ विकेट बहुत कम गिरेगा। सिंपल वर्ड में ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, मेरे वीडियो जो भी देखता होगा वो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग सब वन साइड ही जीतता होगा। क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पे विकेट बहुत कम गिरता है, और जो विकेट लेके देता है ना, देखो कि मोहित शर्मा लेके देगा, राशिद खान लेके देगा, तो वैसे बॉलर को तो रख ही रहा हूँ। नूर अहमद को अगर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी देखो विद्यमान साहा और दिनेश कार्तिक दोनों को रखा हूँ अपनी टीम में, और ये टीम मैं बनाया हूँ कि अगर बाय द वे गुजरात बैटिंग पहले करे तो ये ऐसा टीम रहेगा, अगर गुजरात पहले बैटिंग नहीं करेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं अपनी टीम में विद्यमान साहा या दिनेश कार्तिक दोनों में से किसी एक को ही अपनी टीम में रखूंगा, ठीक है। बाकी देखो शुभमन गिल, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, रजत पाटीदार, साई सुदर्शन, विल जैक, राशिद खान और कैमरन ग्रीन, ये टीम है जिसमें कि विराट कोहली को कैप्टन बनाने का रीजन है कि विराट कोहली खतरनाक बैटिंग करता है और गुजरात के अगेंस्ट में 77 का एवरेज रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने अपनी टीम में कैप्टन बनाया। गिल को वाइस कैप्टन बनाने का रीजन ये है कि अहमदाबाद के पिच पे गिल हमेशा बैटिंग अच्छा करता है। पिछले मैच में मैंने साई को कैप्टन बनाया था, साई सुदर्शन को, गिल को नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं गिल को वाइस कैप्टन बनाया हूं। हो सकता है मैं गिल को कैप्टन भी बना सकता हूं अगर गुजरात पहले बैटिंग करे, ठीक है। फैफ डु प्लेसिस मुझे लग रहा है कि आज के मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके देगा। रजत पाटीदार का रिकॉर्ड अच्छा है अहमदाबाद के वेन्यू पे, इसलिए मैंने अपनी टीम में रखा और 2 मैचों से 50 भी लगाते हुए दिखाई दिया है, और मैंने पिछले मैच में भी बोला था कि आरसीबी अगर पहले बैटिंग करे तो पाटीदार इंपॉर्टेंट होगा। कल जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि साई होप इंपॉर्टेंट होगा, पौरेल इंपॉर्टेंट होगा, और मेरे स्मॉल लीग टीम में भी साई होप था, पौरेल था, ठीक है, और जिसके कारण हम लोग कल दोनों के दोनों मैच वन साइड जीते थे। लेकिन हाँ, आपको आगे बताने से पहले बताता हूँ, आज का लाइक का टारगेट दिया हूँ 30,000, होप 30,000 पूरा कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना, जहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट तो मिलता है, फाइनल टीम भी मिलता है जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, और कल मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा था। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, पहले कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर पहुँच जाओगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, मोहित शर्मा तो है ही हमारे टीम में, ये है जिसमें कि कैमरन ग्रीन को इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये 2 डाउन बैटिंग करता है, पूरे बॉलिंग भी करेगा। विल जैक आज यहाँ पे दोपहर में मैच है, हो सकता है पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकता है, 1 डाउन बैटिंग भी करने आता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ अगर मैक्सवेल खेला तो आप मैक्सवेल को जरूर ट्राई करना। और डेविड मिलर को मैंने फिलहाल अपनी टीम में नहीं रखा, डेविड मिलर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज डेविड मिलर भी इंपॉर्टेंट होगा, बट किसको ड्रॉप करके डेविड मिलर लें ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखोगे तो मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि आज दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके डेविड मिलर लिया जा सकता है, डेविड मिलर, ठीक है। अगर पहले आसबी बैटिंग करेगा ना तो मैं डेविड मिलर के साथ चले जाऊंगा, और अगर पहले क्या बोलते हैं, हाँ
अगर गुजरात टाइटंस बैटिंग करेगा तो फिर मेरी टीम में दिनेश कार्तिक रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। दिनेश कार्तिक को मैं अपनी टीम में तब रखूंगा जब आरसीबी पहले बैटिंग करे, सॉरी आरसीबी पहले बैटिंग करता बोलते, आरसीबी पहले बॉलिंग करे, मतलब दिनेश कार्तिक को सेकंड इनिंग बैटिंग में रखूंगा, वरना इसको ड्रॉप करके मैं अपनी टीम में मिलर रख लूंगा। मिलर सेकंड इनिंग में पक्का अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा। पिछले मैच में मैंने मेरे स्मॉल लीग टीम में भी था और सारे ग्रैंड लीग टीम में भी मिलर था, मैंने क्लियरली बोला था कि मिलर आज अच्छा पॉइंट देके जाएगा, और भाई दिया भी है। कल बहुत लोगों ने तिलक वर्मा को ड्रॉप कर दिया था, मैंने नहीं किया था ड्रॉप, मैंने तिलक वर्मा को भी रखा था, साई होप को भी रखा था, पॉरेल को भी रखा था, तो उसी तरह। तो इनमें कोई भी चेंजेस हुआ तो फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, जैसे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वरना आप सर्च भी कर सकते हो @KUMAR508TFC। जब ये सर्च करोगे आपको 288,000 का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब हम लोग एक ग्रैंड लीग टीम बनाते हैं, ग्रैंड लीग टीम में हम क्या करेंगे, सिंपल बात बताता हूँ। ग्रैंड लीग टीम में देखो हम क्या करेंगे, साई सुदर्शन को जरूर रखेंगे, गिल को जरूर रखेंगे, विधिमान शाह को मैं ड्रॉप कर दूंगा और दिनेश कार्तिक को ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ये इस प्लेयर को मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब किसको रखूंगा उसकी जगह, एक मैं प्लेयर लूंगा जैसे कि डेविड मिलर। ठीक है, डेविड मिलर रखूंगा किसके जगह, दिनेश कार्तिक के जगह डेविड मिलर। और विधिमान शाह के जगह हम किसको रखेंगे अपनी टीम में, देखो इधर से तो हम किसी को रख नहीं पाएंगे, अगर इधर से देखोगे साइंस ओमर जाई देखते हैं, राशिद खान है, नूर है, तो मैं नूर के साथ जाऊंगा क्योंकि दोपहर में ना नूर विकेट ले लेता कई बार। ठीक है, तो नूर के साथ जाऊंगा। कैप्टन किसको बनाऊंगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे मैं रिस्क नहीं लूंगा, कैप्टन में बनाऊंगा सिंपल विराट को कैप्टन नहीं बनाऊंगा उसमें मैं कैप्टन गिल को बनाऊंगा, गिल को कैप्टन बनाऊंगा। ठीक है, और वाइस कैप्टन में बनाऊंगा साइंस सुदर्शन को। ये मेरा ग्रैंड लीग टीम होगा, बाकी एक ग्रैंड लीग टीम और एक स्मॉल लीग टीम मैं टेलीग्राम पे भी दूंगा फुल टीम। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक काम करना, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, 30,000 लाइक का टारगेट दिया हूं। और सब लोग टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ऑफ मत करना। ठीक है, और पिन कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि कल भी दोनों मैच जैकपॉट विनिंग कराया, आज भी विन कराऊंगा और डेली जिता रहा हूं भाई डेली। सिर्फ परसों का एक मैच खराब गया था जो मैंने एक्सेप्ट भी करा था कि भाई ये मैच हमारा खराब गया। ठीक है, बाकी कैसा वीडियो लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर नीचे बताना। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।